सीएम सिटी करनाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिर से एक बार अनुशासन और एकजुटता का परिचय दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी की त्रासदी से घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस भयावह स्थिति में जिस तरह से भारत देश के लोग अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों के अनुरूप इस भीषण त्रासदी का सामना कर रहे हैं, उसके संपूर्ण विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। भारतीयों का यह साहस देश की प्राचीन संस्कृति से विरासत में प्राप्त आस्था और विश्वास के कारण है। भले ही हम आज आधुनिकता की दौड़ में अपनी प्राचीन संस्कृति को भुला बैठे हैं, परंतु इस विपत्ति की घड़ी में एक बार फिर से देश अध्यात्म विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान की ओर लौट रहा है। ज्योति पर्व भारत की पुरातन संस्कृति है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले दीपक या अग्नि का प्रज्वलन वातावरण से विषैले विषाणुओं का नाश करके पवित्र वातावरण का निर्माण करता है। हमारे प्रधानमंत्री भी इस पुरातन संस्कृति के माध्यम से इस संकट की घड़ी में देशवासियों में उत्साह भरने का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं एकता में बड़ा बल है। जब कोई कार्य परमार्थ भाव से सम्मिट के कल्याण के लिए किया जाता है तो उसका व्यापक प्रभाव होता है। जब यही कार्य वैज्ञानिकता के आधार पर किए जाते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों भी पहले ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर 25 अप्रैल को देशवासियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस प्रशासन का उत्साहवर्धन करवा चुके हैं। अब प्रकाश सिद्धांत के आधार पर ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार 9:09 के लिए सामूहिक ज्योति प्रज्वलन का वैज्ञानिक आयोजन किया गया। वहीं इसी आयोजन के शुरू होते ही करनाल की जनता से बातचीत की और मोदी का यह आयोजन उन्हें कैसा लगा इसकी जानकारी जुटाई। लोगों के प्रधानमंत्री के इस आयोजन को सराहा और कहा कि कोरोना अदृश्य महामारी के चलते इस संकट की घड़ी में हम सब भारतवासी मोदी जी के साथ हैं। से एक तो हमारा एकता का सबूत है और दूसरा वातावरण में ठीक आएगा। कोरोना जैसी बीमारी है वो दिया जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार है, दिया घी का दिया या तेल का दिया जैसे लौंग भी डाल के लोग जला रहे हैं, इससे वातावरण ठीक होगा तो ये कोरोना बीमारी से छुटकारा मिलेगा। सीएम सिटी के लोग करनाल के लोग कितना अपना परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत सारे सीएम सिटी में सारे ही मनोहर लाल जी के कटर जी के साथ है, सारा मल्ला साथ है, सारा मल्ला के सारा करनाल साथ है। क्या नाम है आपका? श्याम बोरा। मैं ये कहना चाहता हूँ जब जब भी हमारे देश पे आपदा आई है, हमने देखा 65 की वार थी तब देश एक हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी तब प्रधानमंत्री थे, 1971 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने आवाज़ दी सारा देश एक हुआ, 1999 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने आवाज़ दी सारा देश एक हुआ। आज एक अदृश्य रूप में हमारा जो दुश्मन है कोरोना, इससे लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर जो भी अपील करते हैं पूरा देश एक हो जाता है और उनकी एक आवाज़ पर सारा देश एकजुटता का प्रतीक के रूप में उनके साथ पूरा समर्थन उनको जुटाता है और ना ही किसी जात का यहाँ पर सवाल होता है, ना किसी धर्म का सवाल होता है, होता है तो केवल हिंदुस्तानी और केवल भारतवर्ष। जहाँ आप बात करते हैं कि सन 1971 और 65 की लड़ाई फ्रंट टू फ्रंट लड़ी गई कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार एक अनुशासन आप भारतवासियों से मांगा है, तो क्या लगता है कि इसका परिचय दिया है? बिल्कुल, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर के खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पूरे देश को स्वीकार है। ये जो हमारी एकजुटता या संगठन जो भी हमारे देशवासी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका पूरा समर्थन करते हैं। बोरा जी, क्या ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.